जब से मेरे ही परिवार वालों ने मेरे ही साथ धोखा किया है तब से यकीन से भरोसा उठ गए हैं। और भरोसा किसी पर होता ही नहीं क्योंकि हर कोई बस धोखेबाज लगता है। और कुछ इसी धोखे से ये मूवी भरी पड़ी हुई है जो कि बहुत ही स्लो बर्निंग है। और इसीलिए इस मूवी का मजा लेने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि अवेलेबल है सिर्फ नेटफ्लिक्स पर, जिसके अकाउंट आते हैं 650 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 215 में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। खुफिया मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 5 अक्टूबर 2023 को। मूवी को डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने, जो कि हमेशा से हटकर मूवीज बनाने के लिए फेमस हैं, जैसे रंगून, हैदर और कम्युने तो हर कोई जानता ही है। इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है अमर भूषण की नोवेल एस्केप टू नोवेयर पर। यह मूवी मोस्टली इंटेलिजेंस और स्पाइस पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि अमर भूषण एक रिटायर्ड रॉ ऑफिसर रह चुके हैं और मुझे लगता है शायद इसीलिए यह मूवी इतनी इंटेंस और डार्क है। मूवी की स्टोरी फोकस करती है बेसिकली तीन औरतों पर, कृष्णा मेहरा जिनका किरदार निभाया है तबू ने जो कि एक रॉ एजेंट है, वामिका गब्बी एस चारू मोहन और अजमेरी हक बदो एस हीना। कृष्णा मेहरा के स्पाई एजेंट के सडन डेथ के बाद इन्हें पता चलता है कि इन्हीं के एजेंसी में एक मोल है। इस मोल को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना पड़ता है इन्हें। अब जिस तरीके से मछली पकड़ते वक्त और भी बहुत सारी चीजें जाल में फंस जाती हैं, कुछ इसी तरह कृष्णा मेहरा भी शॉक हो जाती है जब मोल के साथ साथ और भी खुलासे होते हैं इनके सामने। क्या खुलासे होते हैं और कौन मोल होता है, कुछ इसी स्टोरी को बहुत ही स्लो पेस में एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है खुफिया। Let him die. वो बच गया तो तुम नहीं बचो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 90s में मुझे तब वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट लेटली मैं इनका फैन बन चुका हूँ, क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट्स चूज करती हैं वो सब हटके होते हैं और जिस तरीके का किरदार निभाती हैं वो हमें लिटरली शॉक कर देता है। जैसे इनकी मूवी नेम्ड कुत्ते, दृश्यम 1 और 2 और अंधाधुन तो अमेजिंग थी। और फाइनली इस मूवी में तब्बू एज एन एजेंट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन्हें कभी इस रोल में देखूंगा। ये मूवी हटके इसलिए भी है क्योंकि ये आदमियों के बारे में कम औरतों के बारे में ज्यादा है। तो आदमियों को रखा गया है लीड रोल्स में, बट ओवरऑल ये दिखा दिया गया है कि कैसे मैन वुमेन को हमेशा डोमिनेट करते आए हैं और कैसे आदमियों की वजह से औरतों की जिंदगी में काफी सारी तकलीफें आती रहती हैं। मूवी 2.5 घंटे की है और बहुत स्लो है, तो मूवी के स्टार्ट में ही ढेर सारे राज खोल दिए जाते हैं, बट इनफ रखा जाता है के एंड तक के लिए ताकि हम मूवी से हुक्ड रहें। सीधी सीधी बात कहूं तो मूवी अपने नाम खुफिया से जस्टिस करती है, क्योंकि इस मूवी में स्पाई एलिमेंट्स भर के हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे। अगर आपको स्लो बर्निंग स्पाई मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। और कहीं ना कहीं इस मूवी को आप आमिर खान की आई मूवी सरफरों से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये मूवी उस मूवी के लगभग सेम ट्रैक पर ही चलती है। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6/10। दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपना खुद का व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, जहां पर हम आपसे लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के हिंदी ऑफिशियल डब्ड ट्रेलर्स शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, ढेर सारे रिलीज हुए हॉलीवुड मूवीज के डेट्स भी शेयर करते हैं, प्लस ढेर सारे फ्रीबीज वो भी OTTs के भी शेयर करते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।